हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने की टिक्की, साबूदाने की कटलेट या साबूदाने के बड़े, कुछ भी आप इसे बोल सकते हैं। इंस्टेंट साबूदाने की टिक्की हम बनाने वाले हैं। इसमें आपको साबूदाना को भिगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और इसको आप बर्तन में भी बना के खा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक कटोरी हमने साबूदाना ले रखा है और एक छोटी कटोरी हमने कच्ची मूंगफली ले रखी है। आप मूंगफली की क्वांटिटी और साबूदाने की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। सबसे पहले हम इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं साबूदाना को रोस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें ऑयल का बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ना घी का यूज़ करना है। और आँच को हमें मीडियम रखना है और साबूदाने को हमें इस तरह से चलाते हुए रोस्ट करना है। इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ये देखिए, बिल्कुल ये क्रिस्पी हो जाएंगे और हमें तब इन्हें निकाल देना है। 1 से 1.5 मिनट हमें इन्हें रोस्ट करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाथ हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। ऑलमोस्ट ये रेडी हो ही गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए एक प्लेट में। और इसी पैन में हम मूंगफली को भी रोस्ट कर लेते हैं। मूंगफली बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो इसको भी हमें चलाते रहना है। और जैसे ही इसके छिकल निकलने लग जाए तो हमें इसे भी निकाल देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मूंगफली के जो छिकल हैं अच्छे से निकाल लिए हैं और साबूदाना भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। इसके लिए हमने मिक्सी का एक जार ले रखा है, छोटा वाला, और इसमें हम सबसे पहले साबूदाने को पीस लेंगे। फाइन पाउडर हमें बनाना है, पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इसमें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसको पीसना है साबूदाने को, बिल्कुल बारीक। ये देखिए, आटा बन जाना चाहिए इसका। इसके बाद इसी तरह से हम मूंगफली को भी पीस लिए हैं। और जब हमने मूंगफली पीसी, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। आप इसकी स्टफिंग को ऐसे ही खा जाओगे। ये मैंने कच्चे आलू ले रखे और इनको मैंने अच्छे से एक पिलर की हेल्प से पिल कर लिया है। और अब मैं इसी जार में आलुओं को भी इस तरह से मोटा मोटा काट लूँगी। आपको आलू को बॉईल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से काट के हम इसको भी पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं किया। इस तरह से ये बन गया है इसका एक पेस्ट। इसको भी हम इसी में मिला लेते हैं। एक बड़े से बाउल में हमने साबूदाना, मूंगफली और आलू का पेस्ट मिला लिया है। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च और 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। 1 बड़ा चम्मच मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला है और थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ। आप इसमें चिली फ्लेक्स या हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। और मैंने अभी डाला है इसमें कड़ी पत्ता बारीक कट करके, आप धनिया भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ ज़ीरा, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। अगर आपके पास ना हो तो आप बिना भुना हुआ ज़ीरा भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जो आलू में पानी होता है वही इसके लिए इनफ होता है। तो अच्छे से इसका हम डो लगा लेंगे पहले, और बहुत अच्छे से लग जाता है, बहुत जल्दी लग जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से हम इसका डो लगा लेंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें धनिया पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन धनिया पत्ती हर मौसम में अवेलेबल नहीं होता। तो कड़ी पत्ते का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और कड़ी पत्ते से बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाता है। तो अब हम इस डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखते हैं। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए, अब ये जो डो है बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि जो साबूदाना है वो बहुत सारा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आलू का जो भी पानी रहता है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसके डो को स्मूथ करेंगे, थोड़ा सा हम ढीला कर लेंगे इसको। और पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 3 से 4 चम्मच पानी में ये हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से ये डो फिर से बन के रेडी हो गया है। बहुत स्मूथ डो बना रखा है मैंने। तो ये देखिए, पानी बहुत कम लगा है इसमें। और अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाएंगे, इस तरह से हाथ में रखेंगे। देखिए, इसी तरह से आपको भी करना है, बिल्कुल हल्का सा घुमाएंगे इसे और हथेली से प्रेस करके उसके बाद उंगलियों से इस तरह से कर देंगे। इसके कॉर्नर फटते हैं, तो इस तरह से उंगली से दबाते हुए इसके कॉर्नर हम सेट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं फ्रेंड्स ये। आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं। आप इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करके इसे
व्रत में खा सकते हैं। अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये रेसिपी बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो देखिए इसी तरह से मैंने सारे बना के रेडी कर लिए हैं। आप इसे टिक्की के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, सुबह के नाश्ते में आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, एक बार खाओगे तो आपका मन करेगा कि बार बार आ खाएं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह मेरा ऑयल गर्म हो गया था, और हल्का ऑयल गर्म होना चाहिए। इसमें ध्यान रखने वाली 3-4 बातें, इसे आप ध्यान से सुनिए। एक तो ऑयल कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और तीसरा आपको इन्हें डालते ही पलटना नहीं है। अगर आप ऑयल ज़्यादा रखेंगे या ज़्यादा गर्म रखेंगे तो ये अंदर से नहीं पकेगी, क्रिस्पी नहीं होगी और टूट भी जाएगी। तो फ्रेंड्स आप इन 3 चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिएगा तो आपकी ये टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनके रेडी होगी। सारी टिक्की हमने डाल ली है, और टिक्की डालने के बाद कुछ देर तक हमने इनको छोड़ दिया था। उसके बाद हम हल्के हाथ से इन्हें पलट रहे हैं, एक एक करके पलटना है आपको, बहुत धीरे धीरे। फ्रेंड्स जैसे ही आपकी टिक्की एक तरफ से पक जाएगी तो इसमें जो बुलबुले हैं वो कम हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह से हमें 2 से 3 बार इनको पलटते रहना है जब तक कि इनमें बहुत अच्छे से कलर ना आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारी टिक्की बनके रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर इनमें कलर आ गया है, सुनहरा कलर। और ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होती है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होती है, और खाने में बहुत टेस्टी होती है, क्योंकि इसमें जो मूंगफली का टेस्ट रहता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एक बार बना के इस रेसिपी को खाएंगे, अपने फैमिली वालों के साथ इसको शेयर करेंगे इस रेसिपी को, तो वाकई उन लोगों को बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी, और आपका भी मन होगा कि आप बार बार बना के खाएं। स्पेशली बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, मेरे बच्चे ने तो बनाते ही 3-4 खा लिए थे। तो फ्रेंड्स अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग, और आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। मैंने इनका बिल्कुल छोटा छोटा साइज़ बना रखा है, आप इससे बड़ा साइज़ भी बना सकते हैं, मेरे हिसाब से ये साइज़ परफेक्ट है। और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होते, सही में बहुत टेस्टी होते हैं ये। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, फिर ही आपको पता चलेगा इसका टेस्ट। इसमें जो मूंगफली है उसके वजह से इसका टेस्ट जो है हर टिक्की से डिफरेंट हो गया है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। गर्मा गर्म आप इसको खाइए, आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ ले सकते हैं, मैं इसे सॉस के साथ खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो कैसे लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, और इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी ला सकूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप कोई अपनी रेसिपी देखना चाहते हैं जो आपको पसंद हो, उस रेसिपी को आप देखना चाहते हैं, तो मैं अपने स्टाइल में वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, जय माता दी।